बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस दो ऐसे शख्स थे जिन्होंने 1998 में बीजेपी का समर्थन किया था। नीतीश की पार्टी समता पार्टी, जो अब जनता दल यूनाइटेड के नाम से जानी जाती है, पहला ऐसा राजनीतिक दल था जिसने 1996 में बीजेपी को सेक्युलर वैधता प्रदान किया। लेकिन राजनीतिक कारणों की वजह से नीतीश कुमार ने 16 जून 2013 को बीजेपी के साथ अपना लंबा संबंध तोड़ दिया। सार्वजनिक मंचों पर लालू प्रसाद यादव को कोसकर सत्ता में आने वाले नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़कर लालू यादव की सराहना कर 2015 के चुनाव के लिए वोट मांगने लग गए। इस दौरान जनता के सामने नीतीश कुमार ने शराबबंदी का सबसे बड़ा मुद्दा रखा और इस तरह जनता का जनादेश महागठबंधन को मिला, जिसके मुखिया इस बार नीतीश कुमार थे और अंत में महागठबंधन की सरकार बनी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। 2015 के चुनाव में नीतीश की पार्टी के बाद लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी, इसलिए लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को राज्य सरकार में दो अहम पद, उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का पदभार मिला। लेकिन लालू यादव और नीतीश कुमार की ये दोस्ती ज्यादा दिन तक नहीं चली। 19 अप्रैल 2017 को आयोजित रैली में नीतीश नहीं पहुंचे, क्योंकि इस रैली में लालू यादव को भी न्योता गया था और इसमें नीतीश की गैर मौजूदगी ने ये संदेश दिया कि वो लालू के साथ मंच साझा नहीं करना चाहते हैं। हालांकि नीतीश ने एक बार फिर 31 जुलाई को एक ट्वीट कर खुद मुसीबत मोल ले ली। इस ट्वीट में उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से बिना किसी का नाम लिए लालू की सांप से तुलना कर दी थी और करीब 20 महीने बाद लालू और नीतीश का गठबंधन टूट गया और नीतीश कुमार ने एक बार फिर एनडीए का दामन थाम लिया। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।